ये है भाई डुग्गू। डुग्गू जो है अभी ठीक है। दिन में मैंने उसको बटवारी लेके गया था पशु अस्पताल में। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका पहाड़ी वाले लोग यूके वाले चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण नौटियाल और मेरे गांव का नाम है मिस्तर गांव, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धनारी क्षेत्र में पड़ता है। अभी बज गया है सुबह का 10:15 और मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो आज का ब्लॉग मेरा हो रहा वही स्टार्ट अपने घर से। तो घर में मैं कल शाम को आ गया था मेहमू नकाल हरीश भाई के फार्म से। तो अभी मेरा नाश्ता पानी भी हो गया है और आजकल जो है हम घर में जल्दी से धूप लग गई भाई। पहले जो है 9-10 बजे तक आती थी और अब जो है 7-8 बजे जो है धूप भी आ गई है। चलो भाई बढ़िया है, अब जो है गर्मी का समय भी आ गया भाई। तो कल जैसे मैं शाम को आया तो डुग्गू को भी मैं आपको मिला नहीं पाया क्योंकि डुग्गू जो है आजकल बीमार चल रहा है भाई। तो अभी भी जो है ये बैठक है यहाँ पे, ये देखिए ये जो है खाना भी नहीं खा रहा और उल्टी पे उल्टी करते जा रहा है। और एक बार तो पिताजी ने लेके गया था उसको पशु अस्पताल में भटवाड़ी, लेकिन आज जो एक बार मैं फिर से लेके जा रहा हूँ उसको। तो मैंने नाश्ता पानी कर दिया और अब डुग्गू को लेके जाता हूँ सीधे भटवाड़ी पशु अस्पताल में। उधर जो है उसको दिखाता हूँ भाई, इंजेक्शन वगैरह लगाता हूँ उसको और साथ ही साथ में जो है बाल दाढ़ी भी बना के आऊँगा मैं वहाँ से। तो माँ और पिताजी जा रखे हैं अभी पिपली, उनका भी कुछ काम है पिपली में और मैं जा रहा हूँ अभी भटवाड़ी। और डुग्गू जो है ये देखिए यहाँ पे सूस पड़ा हुआ है भाई। चलो लेके चलते हैं इसको और दिखाते हैं हॉस्पिटल पे। जी घर से चलने के बाद में अभी मैं पहुँच गया हूँ पशु अस्पताल भटवाड़ी में। तो चलो भाई यहाँ पे डुग्गू को दिखाते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। दिन का बज गया है 1 और भटवाड़ी से चलने के बाद में अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पे। तो भटवाड़ी में मैंने पशु अस्पताल में डुग्गू को दिखाया, वहाँ पे जो है इंजेक्शन वगैरह उसको लगाया और साथ ही साथ जो है दवाई भी लेके आया भाई डुग्गू के लिए। तो डॉक्टर का कहना ये था कि डुग्गू को जो है काफ़ी तेज जो है बुखार आ रहा था, अगर आप थोड़ी देर लेट करते थे फिर जो है कुछ भी हो सकता था डुग्गू के साथ में। चलो भाई वैसे जो है डुग्गू इंजेक्शन नहीं लगाने दे रहा था भाई, बहुत टफ हुआ इंजेक्शन लगाना। तो बड़ी बड़ी मुश्किल करके जो है इंजेक्शन भी लगाए डुग्गू को। तो अभी देखिए भाई यहाँ पे जो है मस्त करके डुग्गू आराम कर रहा है। चलो भाई इसको भी आराम करने देते हैं। जैसे मैंने आज बाल दाढ़ी भी बनानी थी लेकिन आज जो है मंगलवार है भाई, मंगलवार को जो है हमारे यहाँ पे जो है सैलून बंद रहता है। तो मेरे को ध्यान ही नहीं था कि आज मंगलवार है, जब देखा कि आज जो है सैलून बंद है और मैं पूछ भी रहा इधर उधर मन का सैलून बंद क्यों, तो बोले कि आज तो मंगलवार है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई। तो पीछे से जो है माँ भी आ गई, माँ बोली अब जो है खाना भी खा ले। चलो भाई अब जो है खाना पीना खाते हैं। बज गया है शाम का 6 और अभी तक मैं सो रखा था। दिन में मैंने खाना पीना खाया उसके बाद में सीधे डायरेक्ट सो गया था और नींद इतनी भयंकर आई कि नींद जो है सीधे अभी खुली भाई। तो अभी जो है माँ ने चाय लाई, चाय मैंने पी, उसके बाद में जैसे ही बाहर आया पूरा जो है इधर उधर गीला हो रखा था। तो माँ को मैंने पूछा, मैंने कहा ये कैसा हुआ कि बारिश लगी थी। तो पहाड़ों का मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है भाई, आगे समय से दिन में से मस्त करके धूप लग रही थी और अभी जो है बारिश भी हुई। मैंने जो है स्वेटर भी पहन ली और टोपी भी पहन ली, दिन में गर्म हो रहा था लेकिन अभी जो है ठंडी लग रही है। बाकी डुग्गू जो है ये बैठ रखा है यहाँ पे अभी, ये भी अभी थोड़ा ठीक है भाई, अभी थोड़ा घूम रहा है इधर उधर, नहीं तो भयंकर बुखार आ रहा था इसको। पहले से खाना भी नहीं खा रहा था, अभी जो है थोड़ा बहुत रोटी वगैरह खाने लग गया है। चलो भाई हो जाएगा डुग्गू भी ठीक। बाकी ये सामने जो है इधर है मेरा गांव। तो शाम का 6 बज गया है,
लेकिन अभी जो है प्रॉपर ढंग से जो है दिखाई दे रहा भाई, मतलब कि उजाला है, दिन जो है काफ़ी बड़े हो गए हैं। चलो भाई एक बार चलते हैं थोड़ा गांव की साइड, गांव की सैर भी करके आते हैं और साथ ही साथ जो है आपको भी करा के आते हैं। ये है भाई डुग्गू, डुग्गू जो है अभी ठीक है। दिन में मैंने उसको भटवाड़ी लेके गया था पशु अस्पताल में और इसको इंजेक्शन लगाए, दवाई भी दिया, तो अभी जो है थोड़ा ठीक है भाई। पहले से कुछ खा भी नहीं रहा था और उल्टी पे उल्टी करे जा रहा था, लेकिन अभी जो है ठीक है ये थोड़ा। डुगू पकड़, ये देखो कमज़ोर भी हो गया भाई ये। डुगू पकड़, ये देखिए इसको, अभी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रोटी भी खाने लग गया, कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। ये देखिए इसको, ठीक ठाक हो रखा था ये आजकल और अब जो है पूरा कमज़ोर हो गया भाई। डुगू पकड़, देख रहा है किसको बोल रही। चलो भाई इसको भी यहाँ पे बैठने देते हैं, अब चलता हूँ गांव की तरफ। रात का बज गया है 8:15 और गांव से चलने के बाद में अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पे। चलो भाई अब जो है खाना पीना खाते हैं, तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड।